Part A for 4 marks. Discuss the categories of threats may be involved in each of the following independent situation and advise the partners of the concerned firm with regard to the possible course of action that may be followed in each case. Burewala Bank Limited BBL is a listed audit client of Umar and Company Chartered Accountants. BBL has granted a house loan of rupees 5 million to a partner in UCC. तो पार्टनर ने लोन लिया हुआ है किसे, क्लाइंट से? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, कोई एक और भी आएगा थ्रेट यहाँ पे, वो बताएं जरा. ना, सेल्फ रिव्यू थ्रेट. लोन जो आपने लिया हुआ है, इसी लोन को आपने क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कहीं पे रिसीवेबल आ रहा होगा, इसी को आपने ऑडिट भी करना है, तो आपको तो पता है अमाउंट कितनी होगी. क्या कहला है? क्लाइंट कंपनी जिसका ऑडिट करने जा रहे हो, उसने पार्टनर को लोन दिया हुआ है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये एज ए रिसीवेबल आ रहा होगा, तो आपने उसी को ऑडिट भी करने जाना है, तो आपको तो पता है कितनी अमाउंट है, तो आप उसे डिटेल वेरीफाई नहीं करोगे. तो यहाँ पे होगा क्या, हमें सिग्निफिकेंस देखनी है, वो तीन पॉइंट आ जाएंगे, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन, मटीरियलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन. अगर सिग्निफिकेंस हाई है तो हमें क्या करना चाहिए, पार्टनर को ऑर्डर पे साइन नहीं करना चाहिए. हाँ, अगर सिग्निफिकेंस लो है तो पार्टनर को साइन किया जा सकता है, लेकिन सेकंड पार्टनर इंडिपेंडेंट रिव्यू वर्किंग पेपर परफॉर्म करना है, मीन ये चार नंबर तो इजी है. मटेरियलिटी बस हमने बात कर देनी है, कोई अमाउंट दी गई हो तो हम कैलकुलेट करके बता देंगे, अगर 1% से अबव है तो हम कहेंगे मटीरियल है, अगर उससे बिलो है तो फिर क्या है, इमटीरियल है. जी पार्ट बी फॉर 8 मार्क्स. कमाल वाज द ऑडिट मैनेजर ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स एनुअल ऑडिट ऑफ फैसलाबाद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड. कमाल वाज द ऑडिट मैनेजर ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑडिट ऑफ फैसलाबाद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड. ही हैज ज्वाइंड FTML एज मैनेजर फाइनेंस प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ करंट ईयर्स ऑडिट. हमारा ऑडिट का बंदा चला गया, क्लाइंट में चला गया वहां पे, तो मेरी जो टीम अब काम करने जाएगी वो क्या है, फेमिलियरिटी थ्रेट है. और कोई थ्रेट यहां पे आता हो? इंटिमिडेशन कैसे, ऑडिट टीम के लिए इंटिमिडेशन कैसे होगा? ऑडिट टीम के पॉइंट से देखना है, उस बंदे के कमाल के पॉइंट से नहीं. कमाल तो दफा दूर हो गया ना, क्लाइंट में इंप्लॉई चला गया, अब जो टीम ऑडिट करने जा रही है उसके लिए क्या थ्रेट है? फेमिलियरिटी. क्यों? पुराने कुलीग का काम चेक करने जा रहे हैं, पुराने कुली का काम चेक करने जा रहे हैं, और कोई थ्रेट नहीं है. क्या कहला, और कोई थ्रेट नहीं है, इंडिपेंडेंट सब्जेक्टिविटी फैक्ट हो रही है. क्या करना चाहिए हमें? ऑडिट प्लान अपना चेंज करना चाहिए, और ऑडिट टीम को चेंज करना चाहिए, सेकंड पार्टनर रिव्यू वर्किंग पेपर परफॉर्म करना चाहिए, और प्रायर वर्क जब जो इसने परफॉर्म किया है, अभी जो करंट ऑडिट कर रहा था उसी के दौरान इसको ऑफर आई ना, अभी जो वर्क परफॉर्म कर रहा था उसके दौरान इसको ऑफर आई ना, क्या कहला है? तो वो प्रायर वर्क जो इसने परफॉर्म किया है उसका भी हमें क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू परफॉर्म करना चाहिए. क्यों? वो वर्क क्या होगा, इन्फ्लुएंस्ड होगा, उसकी ऑडिट ओपिनियन को हमें क्या करना चाहिए, डिटेल जो है वो इवैल्यूएट करना चाहिए. क्यों हो सकता है ओपिनियन इन्फ्लुएंस हुई हो? क्योंकि वर्क तो इसका इन्फ्लुएंस था ही था. क्या कहला है? कोई एक्स्ट्रा बातें साथ हम ये दो करेंगे, और कोई थ्रेट्स जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली सेफ गार्ड हमने कुछ पढ़े थे, वहाँ से कोई सेफ गार्ड साथ अटैच किए जा सकते हैं कि हमें कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीजर जो है वो फर्म के अंदर इंप्लीमेंट करने चाहिए, ताकि फ्यूचर में इस तरह के कोई क्लाइंट जो है वो अगर इन्वॉल्व हो तो हमें इन्फॉर्म कर दिया करें, अदर डिसिप्लिनरी प्रोसीजर को फॉलो करें. कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स को हमें फॉलो करना चाहिए, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को हमें फॉलो करना चाहिए, CPD अरेंजमेंट्स करनी चाहिए, मैंने इन्हें बताना चाहिए कि क्या काम आपने क्लाइंट से एडिट करने होते हैं, और अगर कोई हो ऐसी ऑफर भी बता देना चाहिए इनको, किसे, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर से बचने के लिए. तो सेफगार्ड अकॉर्डिंग टू जो प्रोफेशन थे वो यहाँ पे हम अप्लाई करके फिर कोई 8 नंबर लेने के काबिल बनेंगे. सेल्फ इंटरेस्ट इंटिमिडेशन स्टार्ट में पहले हो सकता था, प्रीवियस ऑडिट में, अभी करंटली नहीं है, पिछले ऑडिट साइन था, अब करंट में ये ऑडिटर तो नहीं है ना, अब करंट में ऑडिटर तो नहीं है, तो करंट ऑडिटर स्टार्ट करने से पहले ये क्लाइंट कंपनी में फाइनेंस मैनेजर चला जाएगा,
तो आप ये कह सकते हो कि प्रीवियस ऑडिट में अगर ये काम कर रहा था तो वहां पे इंटीमिडेशन सेल्फ इंटरेस्ट था, तो इसलिए हमने क्या करना है, प्रीवियस ऑडिट का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी परफॉर्म करना है, क्यों, उसमें ये थ्रेट था। अभी करंटली क्या थ्रेट है, करंटली फेमिलियरिटी थ्रेट है, ठीक हो गया। क्योंकि 8 नंबर के लिए बातें करने के लिए हमें सेफ गार्ड अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन यहां पर लिखने पड़ेंगे, फिर जाके 8 नंबर पूरे होंगे। एक थ्रेट आपने बता दिया, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट प्लानिंग हमने चेंज करनी है, ऑडिट टीम हमने चेंज करनी है, सेकंड पार्टनर रिव्यू और वर्किंग पेपर परफॉर्म करना है, 4 पॉइंट यहाँ पे बन गए। अब वो प्रीवियस की बात करेंगे कि प्रीवियस भी थ्रेट अराइज था, अगर इसको ऑफर पहले मिली है तो उस सूरत में सेल्फ इंटरेस्ट इंटीमिडेशन था, तो उस सूरत में हमने क्या करना है, प्रीवियस वर्क परफॉर्म बाय दिस मैनेजर, उससे भी हमने क्या करना है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू परफॉर्म करना है। कितने हो गए, 6 पॉइंट। अब 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हम लेंगे कहाँ से, सेफ गार्ड अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन से, कि हमें कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीजर जो है परफॉर्म करने हैं फर्म के अंदर, ताकि अगर ऑडिटर के नॉलेज में ऐसी बातें हों तो हमें बताई जा सके, ना बताने की सूरत में डिसिप्लिनरी प्रोसीजर उसे फेस करना पड़े। तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हमें जो इम्प्लीमेंट करने हैं, CPD अरेंजमेंट्स करनी है, मीन इनके नॉलेज को रिफ्रेश करना है, इनको बताना है कि क्या चीज़ें क्लाइंट से रिलेटेड जो है वो होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, मीन इंडिपेंडेंट से रिलेटेड आपने CPD अरेंजमेंट करनी है। कोई 8 पॉइंट पेपर के अंदर बैठे हुए, हाँ मुश्किल काम है, मीन आप शायद आंसर 4-5 नंबर के लिखोगे। सो कवर करने से क्या होगा, पता चल गया कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमने कैसे टैकल करना है। जिसके अलावा और कोई क्वेश्चन, चलें आगे फिर, चलें फिर चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसकी अपनी एक सेपरेट वेटेज है पेपर के अंदर, कोई 15 से 20 नंबर का पेपर एग्जामिनर कहते हैं यहाँ से आएगा। पहले इस चैप्टर की इतनी सेपरेट वेटेज नहीं होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी एग्जामिनर ने पास्ट में कभी 22 नंबर का, 28 नंबर का, 18 नंबर का पेपर इस चैप्टर अकेले से टेस्ट किया, क्योंकि इसके अंदर कोई 4-5 बड़े टॉपिक आ जाते हैं, और जब 4-5 टॉपिक आ जाते हैं तो उनमें से 2-3 तो एग्जामिनर के इम्पोर्टेंस में आ जाते हैं। तो आगने वाला हमारा कोई 2 वीक तकरीबन इस चैप्टर के ऊपर लगेंगे। चैप्टर 3 का नाम है ऑडिट प्लानिंग। एक स्टैंडर्ड है ISA 300 जो कहता है कि एक ऑडिटर को ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले ऑडिट की प्लानिंग करनी चाहिए। ऑडिट का मतलब क्या था, टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर हमने ओपिनियन देनी, कैसे कैसे, एविडेंस लेके। एविडेंस कैसे लेने हैं, प्रोसीजर्स परफॉर्म करने, किसके ऊपर, डिफरेंट अकाउंट बैलेंसेज के ऊपर देखना है कि वाकई ही ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, क्या ख्याल है। उसमें कुछ अकाउंट बैलेंस ऐसे होंगे जिनके ऊपर हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्यों, वो हाई रिस्की होंगे, उनके अंदर मिस स्टेटमेंट का चांस हाई होता है, तो इसलिए हमें उनके ऊपर ज्यादा काम करना पड़ता है, उनकी अमाउंट बड़ी होगी, या उनके अंदर मिस स्टेटमेंट का, मीन फ्रॉड एंड एरर का चांस हाई होता है, इसलिए हमें ज्यादा काम करना पड़ता है। और कुछ अकाउंट बैलेंस ऐसे होंगे जिनके ऊपर हमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, मीन हमें थोड़ी सी चेकिंग करना पड़ती है, क्यों, उनकी अमाउंट छोटी होगी, मीन इमटीरियल होंगे, या वो हाई रिस्की नहीं होंगे, मीन उनके अंदर फ्रॉड एंड एरर का चांस हो नहीं सकता, उनकी कैलकुलेशन बड़ी सीधी सीधी होती है, तो उसके अंदर कोई मिस स्टेटमेंट का चांस हो नहीं सकता। तो इसलिए हमने क्या करना है, ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले ऑडिट की प्लानिंग करनी है। क्यों करनी है, रिस्की एरियाज हाईलाइट करने के लिए, मीन वो एरियाज हाईलाइट करने के लिए जिसके ऊपर ड्यूरिंग ऑडिट हमें ज्यादा टेंशन देनी है, मीन हमें ज्यादा काम करना है। सो ISA 300 कहता है कि एक ऑडिटर को ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए, ऑडिट की प्लानिंग करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, कि दो तरह की प्लानिंग एक्टिविटीज जो हैं वो परफॉर्म करना चाहिए, एक तो ऑडिटर स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी चाहिए और एक ऑडिट प्लान डिफाइन करना चाहिए। ऑडिटर स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी चाहिए और ऑडिट प्लान, जिसे ऑडिट प्रोग्राम का नाम भी दिया जाता है, वो डिफाइन करना चाहिए। स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, टू हाईलाइट रिस्की एरियाज, टू हाईलाइट रिस्की एरियाज एंड डायरेक्ट द वर्क ऑफ ऑडिट टीम। स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने का मतलब क्या है, कि रिस्की एरियाज हाईलाइट करने हैं और ऑडिट टीम का वर्क डायरेक्ट करना है, मीन ऑडिट टीम को बताना है
कि ये वो एरियाज हैं जिनके ऊपर हमने डिटेल काम करना है, ताकि टीम उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली काम करेगी तो ऑडिट विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट और क्वालिटी परफॉर्म होगा। अगर टीम को पता ही नहीं कि इस एरिया पर कितना काम करना है, किस पर ज्यादा काम करना है, किस पर कम काम करना है, तो ऑडिट विद इन टाइम विद इन कॉस्ट कंप्लीट नहीं होगा, ना ही क्वालिटी परफॉर्म होगा। क्यों? हो सकता है कुछ रिस्की एरियाज पर डिटेल काम नहीं हुआ होगा और जो लो रिस्की एरिया थे उन पर टीम ने ज्यादा काम कर लिया। सो पर ISA 300 एक ऑडिटर को ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले ऑडिट की प्लानिंग करनी चाहिए, मीन रिस्की एरियाज हाईलाइट करके ऑडिट टीम का वर्क डायरेक्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि ऑडिट को विद इन टाइम विद इन कॉस्ट कंप्लीट किया जा सके, ताकि रिस्की एरियाज को प्रॉपरली हाईलाइट किया जा सके, ताकि ऑडिटर टीम को बताया जा सके कि कहाँ पे उन्होंने कितना काम करना है। इससे हमें भी पता चलेगा कि किस अकाउंट बैलेंस पे हमने कौन सा स्टाफ असाइन करना है, मीन कहाँ पे हमने मोर एक्सपीरियंस स्टाफ असाइन करना है और कहाँ पे हमने लेस एक्सपीरियंस का स्टाफ असाइन करना है, मीन कहाँ पे हमने ये जो आर्टिकल वाले जूनियर सीनियर है इनसे काम करवाना है और कौन से एरिया ऐसे हैं जहाँ पे हमने ऑडिट मैनेजर से ही काम करवाना है। तो इससे एक तो टीम असाइन करना हमारे लिए ईजी होगा, ऑडिट को विद इन टाइम विद इन कॉस्ट कंप्लीट करना ईजी होगा, रिस्की एरियाज हाईलाइट करने में हेल्प मिलेगी। और क्या करना चाहिए ऑडिट प्लानिंग के अंदर? ऑडिट स्ट्रैटजी डिफाइन करनी चाहिए, मीन रिस्की एरियाज हाईलाइट करने चाहिए, और ऑडिट प्लान डिफाइन करना चाहिए। ऑडिट प्लान क्या है? डिटेल प्रोसीजर प्लान, डिटेल प्रोसीजर्स प्लान अबाउट हाउ टू कंडक्ट द ऑडिट, डिटेल प्रोसीजर प्लान अबाउट हाउ टू कंडक्ट द ऑडिट, मीन किस एरिया पर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है, कब परफॉर्म करना है, कितना काम करना है, वो सब कुछ किसके अंदर लिखा जाएगा? ऑडिट प्लान के अंदर। हाँ, रिस्की एरियाज क्या क्या हैं जिसके ऊपर हमें ज्यादा काम करना है, वो कहाँ से आइडेंटिफाई होंगे? स्ट्रैटजी के थ्रू। तो क्या करना है? रिस्की एरियाज हाईलाइट करके ऑडिट टीम का वर्क डायरेक्ट करना क्या है? ऑडिट प्लान। अब रिस्की एरियाज कैसे हाईलाइट किए जाएंगे? वो कहता है जी हाईलाइट किए जाएंगे थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट थ्रू एनालिटिकल प्रोसीजर्स, थ्रू रिस्क असेसमेंट, थ्रू डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रेमवर्क, डिटरमाइन फ्रेमवर्क। सो रिस्की एरियाज हाईलाइट करने के लिए क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरमेंट, एनालिटिकल प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट एंड डिटरमाइन फ्रेमवर्क। और यहां से जो रिस्की एरियाज हाईलाइट होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम डिफाइन करेंगे अपना ऑडिट प्लान, जिसके अंदर क्या होगा? आइडेंटिफाई क्रिटिकल एरियाज, प्रिलिमिनरी मटीरियलिटी लेवल्स, डिफाइनिंग नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, और क्या किया जाएगा? ये सारा का सारा प्लान ब्रीफ किया जाएगा ऑडिट टीम को। सो ISA 300 कहता है कि एक ऑडिटर को ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले ऑडिट की प्लानिंग करनी चाहिए, मीन रिस्की एरियाज हाईलाइट करके ऑडिट टीम का वर्क डायरेक्ट करना चाहिए, ताकि टीम इसी प्लान के अकॉर्डिंगली चलेगी तो विद इन टाइम विद इन कॉस्ट ऑडिट कंप्लीट होगा और क्वालिटी परफॉर्म होगा। और क्या करना है? प्लानिंग स्टेज पे ऑडिट स्ट्रैटजी डिफाइन करनी है और ऑडिट प्लान डिफाइन करना है, या ऑडिट स्ट्रैटजी प्रिपेयर करनी है और ऑडिट प्लान डिफाइन करना है। ऑडिट स्ट्रैटजी का मतलब क्या है? टू हाईलाइट रिस्की एरियाज एंड डायरेक्ट द वर्क ऑफ ऑडिट टीम इन। इससे सिर्फ और सिर्फ रिस्की एरियाज हाईलाइट किए जाएंगे जिसके अकॉर्डिंगली ऑडिट टीम का वर्क डायरेक्ट किया जाएगा। ऑडिट टीम का वर्क क्या है, उसने काम करना क्या है, वो मेनली क्या है? ऑडिट प्लान, मीन डिटेल प्रोसीजर प्लान अबाउट हाउ टू कंडक्ट द ऑडिट। रिस्की एरियाज हाईलाइट करने के लिए आपको क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, मीन वो कंपनी जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं, हमें क्या करना है? उस कंपनी की अंडरस्टैंडिंग, मीन उस कंपनी का नॉलेज लेना है, ना सिर्फ उस कंपनी का, उसके एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मीन इंडस्ट्री मार्केट का भी नॉलेज लेना है, मीन हमें नॉलेज लेना है
किस चीज़ का, सपोज कंपनी की नेचर का, नेचर ऑफ बिजनेस। क्यों? ये नेचर ऑफ बिजनेस देखने से हमें पता चलेगा कि मिस स्टेटमेंट कहाँ कहाँ पे हो सकती है। कंपनी की नेचर है कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की नेचर है कि इसके अंदर इन्वेंट्री जो है वो ऑलवेज हाई रिस्की एरिया होता है। मीन वहाँ पे मिस स्टेटमेंट के चांसेस हो सकते हैं। दिस मीन इन्वेंट्री क्या है? हाई रिस्की एरिया। नेचर हमने देखी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सर्विस बिजनेस है। तो सर्विस बिजनेस की नेचर क्या कहती है? कि इन्वेंट्री हाई रिस्क एरिया नहीं होगा, इनकम या एक्सपेंसिस जो है वो हाई रिस्क एरिया हो सकते हैं। तो क्या हुआ? हमें यहाँ से हाई रिस्क एरिया हाईलाइट करने में हेल्प मिल रही है। नॉलेज लेना हमने किस चीज़ का? कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। ये क्या होता है? ये क्या होता है? कंपनी का सिस्टम इन कंपनी की पॉलिसीज प्रोसीजर्स देखना है कि पॉलिसीज प्रोसीजर्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। मीन कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है या वीक है? क्यों? अगर स्ट्रांग है दिस मीन मिस स्टेटमेंट के चांसेस क्या है? लो है। सिर्फ बड़े बड़े अकाउंट बैलेंसेज में शायद मिस स्टेटमेंट हो सकती है, छोटे अकाउंट बैलेंस में चांस नहीं होगा। नहीं, कंट्रोल सिस्टम वीक है तो बड़े बड़े अकाउंट बैलेंस नहीं, छोटे छोटे अकाउंट बैलेंसेज में भी मिस स्टेटमेंट हो सकती है। तो यहाँ से भी हमें रिस्की एरियाज हाईलाइट करने में हेल्प मिलेगी। नॉलेज लेना हमने किस चीज़ का? लॉ एंड रेगुलेशंस रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस का। मीन ये कंपनी के लिए कौन से लॉ रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है, कि अगर लॉ रेगुलेशन की कंप्लायंस कंपनी नहीं करती तो सूरत में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट होने का चांस बनता है। मीन कंपनी हो सकता है एक्सपेंडिचर जो है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं कर रही, या कोई फाइंस पेनल्टीज जो फ्यूचर में इम्पोज हो सकती हैं उसके लिए प्रिवियन रिकोगनाइज नहीं कर रही। तो यहाँ से भी हमें रिस्की एरियाज हाईलाइट करने में हेल्प मिलेगी। नॉलेज लेना हमने किस चीज़ का? मैनेजमेंट मैथड्स यूज्ड टू मेजर परफॉर्मेंस। मीन देखना है कि मैनेजमेंट की जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट की जाती है उसके लिए क्या मेथड यूज किए जाते हैं। मेथड यूज किया जाता है, सपोज नेट प्रॉफिट जो है वह एज कंपेयर टू इतने परसेंट इंक्रीज होगा तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। नहीं, मेथड यूज किया जाता है सिर्फ सेल ग्रोथ देखी जाती है परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए। नहीं, देखा जाता है कि आपकी जो है वो अर्निंग पर शेयर कितनी है, या देखा जाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर मिस स्टेटमेंट हो सकती है। मीन अगर तो सेल ग्रोथ है दिस मीन सिर्फ सेल ओवरस्टेटेड हो सकती है, बाकी चीज़ें ठीक होंगी। नहीं, नेट प्रॉफिट की बेस पर उनकी परफॉर्मेंस मेजर की जाती है, दिस मीन सेल भी ओवरस्टेट हो सकती है, एक्सपेंसेस भी अंडरस्टेट हो सकते हैं। तो दिस मीन ये दोनों में मिसस्टेटमेंट हो सकती है। नहीं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बेस पर परफॉर्मेंस मेजर की जाती है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। क्या कहला है? दिस मीन प्रॉफिट भी मिसस्टेटेड हो सकता है, साथ बैलेंस शीट आइटम में इक्विटी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में भी मिसस्टेटमेंट के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ से भी हमें रिस्की एरियाज हाईलाइट करने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आपने देखना है कि कंपनी को कौन सा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो कंप्लाई करना जरूरी है। क्यों? स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली भी हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे मिसस्टेटमेंट हो सकती है। क्यों? डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के अंदर डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, और अगर कंपनी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग नहीं करती तो उस सूरत में चांसेस ऑफ मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है। तो क्या करना है? हमने रिस्की एरियाज हाईलाइट करने के लिए अंडरस्टैंडिंग लेनी है कंपनी जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं और उसके एनवायरमेंट की। किस लिए? रिस्की एरियाज हाईलाइट करने के लिए क्या करना है? हमें नॉलेज लेना है किस चीज़ का? नेचर ऑफ बिजनेस का, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है। नॉलेज लेना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। नॉलेज ऑब्टेन करना है अबाउट लॉ एंड रेगुलेशन रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस का। नॉलेज ऑब्टेन करना है मैनेजमेंट मेथड यूज टू मेजर इट्स परफॉर्मेंस का। और नॉलेज ऑब्टेन करना है किस चीज़ का? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का। क्यों? यहाँ से रिस्की एरियाज हाईलाइट करने में हेल्प मिलेगी। अब इसको एग्जामिनर कुछ 4-5 नंबर के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड सेपरेट भी टेस्ट कर सकते हैं। क्या प्लानिंग स्टेज आपको क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग द एंटीएंट्स एनवायरमेंट लेना है। तो आप बताएं कैसे वो आप अंडरस्टैंडिंग लोगे या किन एरिया से आप जो है वो अंडरस्टैंडिंग लोगे। तो एरियाज क्या है? ये 5 है। इसके अलावा हमने क्या करना है? परफॉर्म करने हैं प्लानिंग स्टेज पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या है? कंपेयर करना करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को विद प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्यों? इससे भी आपको रिस्की एरियाज हाईलाइट करने में हेल्प मिल सकती है। आपने कंपेयर किया कंपनी की सेल विद प्रीवियस ईयर और पता चला कि सेल ग्रोथ है कंपनी की 20%। मीन एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 20% सेल इंक्रीज नजर आ रहा है।
अब 10% तक सेल में जो इंक्रीज है ना, ये एक नॉर्मल सी बात है, ड्यू टू प्राइस इन्फ्लेशन होता है। इसका मतलब क्या कि आपके कस्टमर नहीं बढ़े। अगर 10% तक सेल ग्रोथ आ रही है तो कस्टमर नहीं बढ़े, ये क्या है? ड्यू टू प्राइस इन्फ्लेशन। 10% से ज्यादा का मतलब क्या? कस्टमर बढ़े हैं। अब कंपनी की सेल कितनी आ रही है? 20% ग्रोथ। तो हम क्या करेंगे? इंडस्ट्री एवरेज देखेंगे, क्या कंपैटर की सेल भी इतनी बढ़ी है? और अगर पता चला कंपैटर की सेल जो है सब की 7% 6% आ रही है, तो इसमें इसने कोई ऐसा जादू तो नहीं किया होगा कि ये 20% इंक्रीज होगी। क्यों? इंडस्ट्री एवरेज डाउन में जा रही है और ये कंपनी अपनी सेल 20% से इंक्रीज शो कर रही है। दिस मीन ये सेल क्या हो सकती है? ओवर स्टेटेड हो सकती है। मीन क्या हुआ? हायर इसकी एरिया हाईलाइट हो गया। कंपेयर किया हमने, सेल इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 20%, तो कॉस्ट ऑफ सेल भी इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। क्या सेल की परसेंटेज से या उसे कम परसेंटेज से? सेल से उससे ज्यादा से या उसे कम से? सेल 20% इंक्रीज हुई है तो क्या कॉस्ट ऑफ सेल 20% इंक्रीज होनी चाहिए? उससे ज्यादा या उससे कम कितनी होनी चाहिए? उससे कम होनी चाहिए। क्यों? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होनी है, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज नहीं होनी। तो सेल अगर 20% इंक्रीज हुई है तो कॉस्ट ऑफ सेल 20 नहीं, उससे कम, लाइक 12-13% इंक्रीज होनी चाहिए। क्यों? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होनी है ना, यूनिट बढ़ने से फिक्स कॉस्ट तो इंक्रीज नहीं होनी। और अगर पता चला कि सेल 20% से इंक्रीज है लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल उल्टा डिक्रीज नजर आ रही है, तो दिस मीन या तो कॉस्ट ऑफ सेल अंडरस्टेटेड है या फिर सेल ओवरस्टेटेड है। क्यों? आपस में इनका रिलेशन नहीं बना। क्यों? नेचुरल होता तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल भी इंक्रीज होनी चाहिए थी। दिस मीन ये दोनों क्या हो गए? हायर इसकी एरिया हाईलाइट हो गए। देखा हमने सेल इंक्रीज हुई है तो साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होने चाहिए। वो हमने देखा उतने ही है जितने लास्ट ईयर थे। दिस मीन या तो सेल ओवरस्टेटेड है या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड हैं, तो क्या हुआ? हायर इसकी एरिया हाईलाइट हो गए। मीन कंपेयर करना है करंट ईयर फिगर को विद द प्रीवियस ईयर, किस लिए? कि अगर किसी फिगर में कोई फ्लक्चुएशन मीन चेंज जो है वो नजर आ रहा है और वो चेंज जो है वो जस्टिफाइबल नहीं है, मीन अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन है, तो दिस मीन ये क्या है? हायर इसकी एरिया है। कंपेयर किया हमने प्रीवियस ईयर से और पता चला टोटल एसेट जो है या फिक्स्ड एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं 50% से। तो अगर फिक्स्ड एसेट 50% इंक्रीज हुए हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी इंक्रीज होना चाहिए। yes. वो हमने देखा फ्रांचाइज सीमेंट्स में उल्टा डिक्रीज नजर आ रहा है। दिस मीन या तो एसेट ओवरस्टेटेड है या फिर एक्सपेंसिस अंडरस्टेटेड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ चार अकाउंट हेड होते हैं, इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लाइबिलिटीज। अब मैनेजमेंट की कोशिश क्या होगी? किस चीज को ओवरस्टेट किया जाए? एसेट को ओवरस्टेट किया जाए और इनकम को ओवरस्टेट किया जाए, और एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज को मैनेजमेंट की कोशिश क्या होती है? अंडरस्टेट किया जाए। तो आपने दिमाग के अंदर ये शक रखते हुए क्या करना है, ये एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं कि कहीं इनकम ओवरस्टेटेड, एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड तो नहीं है, कहीं एसेट ओवरस्टेटेड और लाइबिलिटीज अंडरस्टेटेड तो नहीं है। मीन क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को विद प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देखने के लिए कि अगर किसी फिगर में चेंज आया है और वो चेंज एक्सपेक्टेड नहीं अनएक्सपेक्टेड नजर आ रहा है, दिस मीन ये क्या है? हायर इसकी एरिया है। मीन इसके अंदर मिसस्टेटमेंट हो सकती है नहीं, प्लानिंग स्टेज पे क्या हो सकती है? कब हम कहेंगे? जब प्रोसीजर परफॉर्म करके वेरीफाई करेंगे। अभी इधर हम सिंपली क्या कहेंगे? कुड बी मिसस्टेटेड, कुड बी ओवरस्टेटेड, कुड बी अंडरस्टेटेड। इसके अलावा हम क्या करेंगे? प्लानिंग स्टेज पे रिस्की एरियाज हाईलाइट करने के लिए रिस्क असेसमेंट करेंगे। रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है? ऑडिट रिस्क को हम असेस करेंगे कि आइदर हाई है या फिर लो है। और ये कैसे करेंगे? ये हमारा पूरा एक टॉपिक है, तब ही समझ आएगा जब हम ये कवर करेंगे। और यहाँ से भी रिस्की एरियाज हाईलाइट करने में ही हेल्प मिलेगी। मीन इधर से भी हम रिस्की एरियाज हाईलाइट कर रहे हैं, इधर से कंपेयर करते हैं फ्रांचाइज स्टेटमेंट्स को करंट विद प्रीवियस भी रिस्की एरिया हाईलाइट कर रहे हैं, और इसके थ्रू भी हम रिस्की एरियाज ही हाईलाइट करेंगे। रिस्की एरियाज हाईलाइट करने के लिए करेंगे डिटरमाइन मीन नॉलेज लेंगे किस चीज का? फ्रेमवर्क का। फ्रेमवर्क मीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंपनी के लिए क्या कंप्लाई करना जरूरी है। क्यों? वहां से भी हमें पता चलेगा कि अगर ये स्टैंडर्ड की कंप्लायंस नहीं होती, मीन इसका ये रूल फॉलो नहीं होता, तो कंपनी क्या मिसस्टेटमेंट कर सकती है। और वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोरिंग कॉस्ट हमारे पास एक स्टैंडर्ड है जो कहता है कि वो कॉस्ट जो अप टू डेट ऑफ कंप्लीशन वाली है बोरिंग, वो तो कैपिटलाइज होंगी, आफ्टर डेट कंप्लीशन वाली कैपिटलाइज नहीं होंगी।
लेकिन उसमें भी अगर देखना है कि अगर टेम्परेरीली वर्क जो है वो हॉल्ट हुआ था ड्यूरिंग कंप्लीशन, और वो हॉल्ट होना एसेट को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी था, तो उस टाइम की तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होंगी। हाँ, अगर एसेट के लिए ज़रूरी नहीं था वर्क का हॉल्ट होना, तो उस टाइम की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं क्या होनी चाहिए, एक्सपेंस आउट होनी चाहिए। तो देखेंगे हाँ कंपनी के ऊपर IAS 23 अप्लाई हो रहा है, तो ये इशू हो सकता है। तो इसलिए ये क्या है, हाई रिस्क की एरिया है, जिसे हमें डिटेल में चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज की गई हैं और कौन सी कैपिटलाइज नहीं की गई। यूँ गलती से ये भी हो सकता है कि अप टू डेट ऑफ कंप्लीशन वाली कॉस्ट कंपनी ने एक्सपेंस आउट कर दी, या हॉल्ट हुआ था वर्क, वो कॉस्ट कैपिटलाइज करनी थी लेकिन इन्होंने क्या कर दी, एक्सपेंस आउट कर दी। उस वजह से उल्टा एक्सपेंस ओवर स्टेटेड, एसेट अंडर स्टेटेड नज़र आ रहा है। तो इसलिए हम ये भी क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, क्यों ये स्टैंडर्ड के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन है, तो इस वजह से भी मिसस्टेटमेंट हो सकती है। सो पर IAS 300 क्या करना है, हमें ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले ऑडिट की प्लानिंग करनी है, मीन रिस्की एरियाज हाईलाइट करने हैं और ऑडिट टीम का वर्क डायरेक्ट करना है। हाँ, रिस्की एरियाज हाईलाइट करने के लिए हमें क्या करना है, ऑडिट स्ट्रैटजी प्रिपेयर करनी है। ऑडिट स्ट्रैटजी कैसे प्रिपेयर करनी है, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरमेंट, थ्रू एनालिटिकल प्रोसीजर्स, थ्रू रिस्क असेसमेंट, थ्रू डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रेमवर्क। हाँ, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरमेंट का मतलब क्या है कि हमें नॉलेज लेना है किस चीज़ का, नेचर ऑफ बिजनेस का, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, लॉ एंड रेगुलेशन रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस, मैनेजमेंट मैथड यूज टू मेजर परफॉर्मेंस एंड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्यों, टू हाईलाइट रिस्की एरियाज, कि यहाँ से हमें रिस्की एरियाज हाईलाइट करने में हेल्प मिलेगी। एनालिटिकल प्रोसीजर मीन कंपेयर करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किस लिए, टू इन्वेस्टिगेट अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस, कि अगर कोई फ्लक्चुएशन आ रही है और वो क्या है, एक्सपेक्टेड नहीं, अनएक्सपेक्टेड, तो उसे इन्वेस्टिगेट करना है, मीन इंडस्ट्री एवरेज देखनी है, क्या इतनी है कि जितनी इनकी सेल ग्रोथ नजर आ रही है, क्यों अगर नहीं है इंडस्ट्री एवरेज इतनी, तो फिर ये क्या है, हाई रिस्क की एरिया है, मीन मिस स्टेटमेंट के चांस हो सकते हैं। रिस्क असेसमेंट करनी है, कैसे करनी है बाद में देखेंगे, लेकिन यहां से भी रिस्क की एरिया हाईलाइट करने में हेल्प मिलेगी। नॉलेज लेना है किस चीज का, फ्रेमवर्क का, मीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, क्यों यहां से भी रिस्की एरिया हाईलाइट करने में हेल्प मिलेगी। और यहां से जो रिस्की एरियाज हाईलाइट होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम डिफाइन करेंगे क्या, ऑडिट प्लान, मीन डिटेल प्रोसीजर प्लान अबाउट हाउ टू कंडक्ट द ऑडिट, मीन टीम को बताएंगे भाई अब आपने ऑडिट में करना क्या। ऑडिट प्लान के अंदर क्या है, हम एक लिस्ट देंगे क्रिटिकल एरियाज की, क्रिटिकल एरियाज मीन जो यहां से रिस्की एरियाज हाईलाइट हुए हैं, ऑडिट टीम को ऑडिट प्लान के अंदर वो लिख के देंगे भाई ये वो एरियाज हैं जहां पे आपने डिटेल में काम करना है। मीन क्रिटिकल एरियाज क्या हैं, रिस्की एरियाज या हाई मटेरियल एरियाज, मीन वो अकाउंट बैलेंस जिसकी अमाउंट बड़ी है, जिसके अंदर छोटी बोट भी मिस स्टेटमेंट बड़ी फिगर बन सकती है, तो क्रिटिकल एरियाज मीन हाई रिस्की एरियाज की लिस्ट बना के देंगे किसको, ऑडिट टीम में, क्यों ऑडिट टीम को आपने क्या देना है, या ऑडिट प्लान देना है। उसके अंदर आप डिफाइन करोगे प्रिलिमिनरी मटेरियलिटी लेवल्स, ये कैसे डिफाइन करोगे, कंपनी का प्रॉफिट देखोगे कितना है, उसका 5% कंप्यूट करके एक फिगर लिख लोगे, रेवेन्यू देखोगे कितना है, उसका 1% कंप्यूट करके एक फिगर लिख लोगे, टोटल एसेट्स की फिगर कितनी है, उसका 1% कंप्यूट करके एक फिगर लिख दोगे, और ये क्या है, मटेरियलिटी लेवल जो आप ऑडिट टीम को दे दोगे कि भाई ड्यूरिंग ऑडिट अगर कोई मिसस्टेटमेंट मिले इन अमाउंट से नीचे हो तो उसे इमटीरियल कंसिडर करना है, इस अमाउंट से ऊपर जाए तो उसे क्या करना है, मटीरियल कंसिडर करना है, ताकि टीम परसेंटेज के चक्रों में ना पड़ी रहे, कहाँ पे 5% अप्लाई करना है, कहाँ पे 1% अप्लाई करना है, कहाँ पे 10% अप्लाई करना है, तो हमने ऑलरेडी अमाउंट्स निकाल के दे दी कि इन अमाउंट से नीचे इमटीरियल कंसिडर करना है और इससे ऊपर क्या करना है, मटीरियल कंसिडर करना है, और ये भी हम क्या करेंगे, ऑडिट प्लान के अंदर टीम को लिख के दे देंगे। और प्लान के अंदर जो मेन चीज है वो क्या है कि हम डिफाइन करेंगे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, मीन टीम को बताएंगे कि किस अकाउंट बैलेंस पर आपने कौन सी नेचर का प्रोसीजर परफॉर्म करना है, नेचर मीन कहां पे आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना है और कहां पे आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना है। वो एरियाज जो हाई रिस्की हैं, क्रिटिकल हैं, मटीरियल हैं, वहां पे डिटेल वर्क मीन सब्सटेंटिव प्रोसीजर, और जो लो रिस्की हैं, इमटीरियल हैं, इतने क्रिटिकल नहीं है, वहां पे छोटा सा काम करना है, मीन टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टाइमिंग डिफाइन करेंगे किस एरिया को आपने कब चेक करना है, किस एरिया को कब चेक करना है, कौन से एरियाज ऐसे हैं जिनको ईयर एंड से पहले चेक करना है,
कौन से एरियाज ऐसे हैं जिनको ईयर एंड पे बाद चेक करना है और कौन से एरियाज ऐसे हैं जिनको हर सूरत में फाइनल डे ऑफ ईयर एंड मीन 31 दिसंबर को ही चेक करना है। कौन से एरियाज ऐसे हो सकते हैं जिनको फाइनल डे ऑफ ईयर एंड पे ही चेक करना जरूरी है? इन्वेंट्री, जिसकी बैलेंस शीट में फिगर क्या आ रही होती है कि 31 दिसंबर पे हमारे पास इतनी इन्वेंट्री पड़ी है, तो 31 दिसंबर को हमने जाके इंश्योर करना है वाकई इतनी इन्वेंट्री पड़ी या नहीं पड़ी। कैश एट बैंक, कि 31 दिसंबर को हमारे पास इतना कैश बैलेंस बढ़ा है, तो 31 दिसंबर को जाके कैश काउंट करके देखना है कि वाकई कंपनी के गले में, कंपनी की अलमारी में इतना कैश पड़ा है या नहीं पड़ा। हाँ, कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो हमने ईयर एंड से पहले चेक करनी है, और वो कौन सी है? इनकम स्टेटमेंट आइटम, सेल, परचेज, एक्सपेंसेस जब रिकॉर्ड होने हैं तब देखेंगे सही रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही। बैलेंस शीट आइटम को हम चेक करते हैं ईयर एंड के बाद, क्यों? बैलेंस शीट बनेगी तो उसके बाद चेकिंग होगी ना, क्या कहला है? तो उनको ईयर एंड के बाद, लेकिन ईयर एंड पे फाइनल डे पे कौन सी चीजें चेक करनी है वो भी हम टीम को बताएंगे, ताकि टीम उसके अकॉर्डिंगली काम करेगी तो क्वालिटी परफॉर्म होगा। साथ हम डिफाइन करेंगे एक्सटेंट। एक्सटेंट बोलते हैं सैंपल साइज को, कि हम जो भी काम करते हैं सैंपल बेस्ड करते हैं, 100% ट्रांजैक्शन हम वेरीफाई नहीं करते। तो किस एरिया पे सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए, मीन ज्यादा ट्रांजैक्शन टेस्ट करनी है, किस एरिया पे सैंपल साइज छोटा होना चाहिए, मीन थोड़ी ट्रांजैक्शन टेस्ट करनी है, वो भी हम इसके अंदर लिखेंगे। वो एरिया जो हाई रिस्की हैं, यहाँ पे मिसस्टेटमेंट का चांस हाई है, वहां पे आपने सैंपल साइज लार्ज रखना है या स्मॉल रखना है? लार्ज, ताकि ज्यादा ट्रांजेक्शन वेरीफाई की जा सके। और वो एरिया जो छोटी सी अमाउंट है वहां पे सैंपल साइज क्या रखेंगे? स्मॉल, बस थोड़ी सी चेकिंग कर लो कि ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसीजर, के किस एरिया पर कौन सा प्रोसीजर कब और कितना परफॉर्म करना है, और ये सारी चीजें, मीन क्रिटिकल एरिया की लिस्ट, मटीरियलिटी अमाउंट्स और नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसीजर, ये सारा हम ब्रीफ करेंगे किसको? अपनी ऑडिट टीम को, कि भाई किस बंदे ने किस एरिया पर क्या क्या काम करना है, ताकि टीम उसके अकॉर्डिंगली काम करेगी। तो ऑडिट विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट और क्वालिटी कंप्लीट होगा। अगर ऑडिट टीम को कोई डायरेक्शन मिली नहीं कि किस एरिया पर कब क्या कितना काम करना है, किस बंदे ने किस एरिया को चेक करना है, तो फिर ऑडिट क्वालिटी परफॉर्म नहीं होगा। सो ISA 300 कहता है कि एक ऑडिटर को क्या करना चाहिए? प्लानिंग करनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट वर्क। क्या करना चाहिए? रिस्की एरियाज हाईलाइट करके ऑडिट टीम का वर्क डायरेक्ट करना चाहिए। हाँ, रिस्की एरियाज हाईलाइट करने के लिए क्या करना है? ऑडिट स्ट्रैटजी प्रिपेयर करनी है। कैसे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटीनेट एनवायरमेंट, थ्रू एनालिटिकल प्रोसीजर्स, थ्रू रिस्क असेसमेंट, थ्रू डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रेमवर्क। और इसके अकॉर्डिंगली क्या करना है? ऑडिट प्लान, मीन डिटेल प्रोसीजर प्लान अबाउट हाउ टू कंडक्ट द ऑडिट डिफाइन करना है। और उसके अंदर क्या है? क्रिटिकल एरिया की लिस्टिंग, प्रीलिमिनरी मटीरियलिटी लेवल्स, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, और ये सब कुछ ब्रीफ करना है, मीन असाइन करना है किसको? ऑडिट टीम को। अब अगर हम ऑडिट स्ट्रैटजी और ऑडिट प्लान को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करें, स्ट्रैटजी का मतलब है टू हाईलाइट रिस्की एरियाज एंड डायरेक्ट द वर्क ऑफ ऑडिट टीम। प्लान का मतलब है डिटेल प्रोसीजर प्लान अबाउट हाउ टू कंडक्ट द ऑडिट। स्ट्रैटजी बिफोर प्लान प्रिपेयर की जाती है। क्यों? रिस्की एरियाज पहले हाईलाइट होंगे, प्लान कैन बी डिफाइंड आफ्टर स्ट्रैटजी। दो डिफरेंसेस हो गए। तीसरा डिफरेंस, प्लान इज मोर डिटेल एज कंपेयर टू स्ट्रैटजी। प्लान स्ट्रैटजी की निस्बत ज्यादा डिटेल है। कैसे? कि स्ट्रैटजी के अंदर सिर्फ रिस्की एरियाज हैं, जबकि प्लान के अंदर रिस्की एरियाज के अगेंस्ट क्या है? ऑडिट अप्रोच भी आपने डिफाइन की हुई है, मीन नेचर, टाइमिंग, स्टैंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर भी डिफाइन की हुई है। ये जो नेचर, टाइमिंग, स्टैंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है, इसे रिस्पॉन्स टू रिस्क का नाम भी दिया जाता है। रिस्पॉन्स टू रिस्क मीन किस रिस्क की एरिया के ऊपर क्या रिस्पॉन्स देना ऑडिटर ने, मीन क्या काम करना है, वो क्या है? नेचर, टाइमिंग, स्टैंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। सो तीन डिफरेंसेस हमने डिस्कस कर लिए, स्ट्रैटजी की डेफिनेशन, प्लान की डेफिनेशन, प्रिपेयर्ड बिफोर प्लान, प्लान कैन बी डिफाइंड आफ्टर स्ट्रैटजी, प्लान इज मोर डिटेल एज कंपेयर टू स्ट्रैटजी एज इट इंक्लूड्स रिस्की एरियाज एज वेल एज रिस्पॉन्स टू रिस्क। एक चौथा डिफरेंस वो कहता है जी, स्ट्रैटजी जो है ना, ये डिफाइन करती है स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट।
स्ट्रैटेजी क्या डिफाइन करती है, आपके पूरे ऑडिट के स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन। स्कोप का मतलब क्या है कि आइदर ये ऑडिट जो है वो हाई रिस्की है या फिर लो रिस्की है। टाइमिंग हाई रिस्की है तो दिस मीन हमें टाइम इस पे ज्यादा लगेगा, लो रिस्की है तो टाइम इस पे हमें कम लगेगा। डायरेक्शन मीन हाई रिस्की है तो हमें मोर एक्सपीरियंस स्टाफ के थ्रू जाना है, लो रिस्की है तो लेस एक्सपीरियंस स्टाफ के थ्रू भी जाया जा सकता है। मीन पूरे ऑडिट का जो स्कोप है टाइमिंग और डायरेक्शन डिफाइन करती है, जबकि प्लान क्या करता है पूरे ऑडिट का नहीं। किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस पे हमने किस नेचर, कब और कितना काम करना है, मीन वो क्या डिफाइन करता है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। मीन एक अकाउंट बैलेंस पे क्या आपने प्रोसीजर परफॉर्म करना है, कब करना है और कितना करना है। जबकि स्ट्रैटेजी क्या करती है, पूरे ऑडिट का स्कोप मीन हाई रिस्की है या लो रिस्की है। टाइमिंग मीन ज्यादा लगेगा, रिस्की एरियाज की बेस पर डिपेंड करता है, ज्यादा रिस्की एरिया तो ज्यादा टाइम लगेगा, कम रिस्की एरिया तो कम टाइम लगेगा। और डायरेक्शन सेट करेगी कि हमें एक्सपीरियंस स्टाफ के थ्रू जाना है, ज्यादा लोगों के थ्रू जाना है या फिर इन एक्सपीरियंस या कम लोगों के थ्रू जाना है। तो स्ट्रैटेजी डिफाइन करती है स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। प्लान डिफाइन करता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। स्ट्रैटेजी इंक्लूड दिस 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 दिस, व्हाइल प्लान इंक्लूड दिस 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 दिस। मीन अगर एग्जामिनर को चार पांच नंबर के लिए स्ट्रैटेजी और प्लान को डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछ ले तो हमको चार पांच पॉइंट बना सकते हैं। मीन दोनों की डेफिनेशन आ गई। स्ट्रैटेजी कैन बी प्रिपेयर्ड बिफोर प्लान, प्लान डिफाइंड आफ्टर स्ट्रैटेजी। प्लान इज मोर डिटेल एज कम्पेयर टू स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी डिफाइन स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, व्हाइल प्लान डिफाइन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट, नहीं ऑडिट प्रोसीजर्स। स्ट्रैटेजी इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग द एंटी एनवायरनमेंट, एनालिटिकल प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रेमवर्क। व्हाइल प्लान इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल एरियाज, डिफाइनिंग प्रिलिमिनरी मटीरियलिटी लेवल्स, डिफाइनिंग नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ब्रीफ द प्लान टू ऑडिट टीम। अब अगर हम नोट्स में आए, चैप्टर थ्री का वेरी फर्स्ट पेज मिलता है हमें। यहाँ पे कुछ ऑडिट प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस या पर्पस दिए गए कि प्लानिंग क्यों जरूरी है। टू डायरेक्ट एप्रोप्रिएट अटेंशन टू डिफरेंट एरियाज ऑफ द ऑडिट। इससे हमें पता चलेगा कि हमें किस एरिया पे कितनी अटेंशन देनी है, मीन कितना काम करना है। वो एरिया जो हाई रिस्की है दिस मीन उसके ऊपर हमें ज्यादा अटेंशन देनी है, जो लो रिस्की है उसके ऊपर हमें कम अटेंशन देनी, मीन कम काम करना है। प्लानिंग का फायदा है टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम रिस्क, मीन इससे रिस्की एरियाज हाईलाइट करने में हेल्प मिलेगी। प्लानिंग का फायदा है टू फैसिलिटेट रिव्यू एंड कंट्रोल ऑफ ऑडिट, कि इससे ऑडिट को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी मीन पता चलेगा कि हमें कितना को टाइम, कितना को स्टाफ लगाना है और कितना नहीं लगाना। इससे हमें फायदा मिलेगा टू असाइन एंड ब्रीफ स्टाफ विद एप्रोप्रिएट स्किल, नॉलेज, ट्रेनिंग, प्रोफिशिएंसी, के किस एरिया पर हमें किस स्किल का बंदा लगाना है या किस ट्रेनिंग का बंदा लगाना है। तो प्लानिंग से पता चलेगा क्यों, जो हाई रिस्की एरिया वहां पर हमें हाई स्किल के लोग लगाने, हाईली ट्रेंड लोग लगाने, और जो लो रिस्की एरिया है वहां पे कम ट्रेनिंग वाले मीन जूनियर भी काम कर सकते हैं। इससे हमें पता चलेगा टू कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ अदर्स, के ड्यूरिंग ऑडिट हमें किसी के काम की जरूरत तो नहीं है, लाइक हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत तो नहीं है, कहीं इंटरनल ऑडिटर के काम को हमें यूज करने की जरूरत तो नहीं है। प्लानिंग से पता चलेगा क्यों, कोई अकाउंट बैलेंस ऐसा तो नहीं है जहां पे हमारा नॉलेज लिमिटेड हो जाता है, हमें किसी एक्सपर्ट से जो है वो वैल्यू लगवाना पड़ेगी। प्लानिंग से हमें पता चलेगा टू ऑब्टेन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट बिजनेस, मीन क्लाइंट के बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग में हमें मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग द एंटी एनवायरनमेंट के थ्रू। और प्लानिंग के थ्रू ही हमें जो है वो ऑडिट को इकोनॉमिक एंड अफेक्टिव सर्विसेज विद इन एप्रोप्रिएट टाइम स्केल, मीन ऑडिट को विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट कंप्लीट करने में भी हेल्प मिलेगी। कुछ चार पांच हमें ऑब्जेक्टिव लिखने आने चाहिए, पास में एक दो दफा एग्जामिनर ने स्टेट हॉवर टेस्ट किए हैं, दोबारा भी टेस्ट हो सकते हैं। डेवलपिंग अ जनरल स्ट्रैटजी एंड ओवरऑल ऑडिट प्लान, मीन प्लानिंग की दो मेन एक्टिविटीज हैं, एक ऑडिट स्ट्रैटजी डेवलप करना और एक ऑडिट प्लान डिफाइन करना। ऑडिट स्ट्रैटजी क्या है, मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, सुपरवाइजिंग एंड रिव्यूइंग द वर्क ऑफ ऑल द ऑडिट टीम इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द एंटी एनवायरनमेंट, एनालिटिकल प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रेमवर्क। व्हाइल प्लान क्या है, जो डायरेक्शन दे रहा है ऑडिट टीम को अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफाइड रिस्क, मीन कि टीम ने क्या काम करना है और इसके अंदर क्या इंक्लूड है, चारों पॉइंट आगे।
हम बाकी इनको अगर डिफ्रेंशिएट करना हो प्लान को, स्ट्रैटजी को, तो वो भी हम 4 पॉइंट में कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। होपफुली अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने क्या करना है, इसके अंदर कुछ 4 मेन एरियाज हैं जिनकी डिटेल में हमें जाना है। एक एनालिटिकल प्रोसीजर हमारे पास एक बड़ा टॉपिक है जिसकी डिटेल में हमने जाना है, इसे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करने हैं। रिस्क असेसमेंट एक बहुत बड़ा एरिया है इस चैप्टर का जिसकी डिटेल में जाके हमें क्वेश्चन कवर करने हैं। मटीरियलिटी एक बड़ा एरिया है इस चैप्टर के अंदर जिसकी डिटेल में जाके हमने इसे भी क्वेश्चन करने हैं। मटीरियलिटी तकरीबन आधा हम चैप्टर 1 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मटीरियलिटी। हाँ, कुछ बातें और हैं जो इस चैप्टर में कवर करके इसके डिटेल क्वेश्चन कवर करेंगे। मीन 3 मेन टॉपिक इसके अंदर जो है वो ये हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट और मटीरियलिटी। और आने वाले दिनों में इन्हीं के ऊपर हमने काम करना है और पास पेपर के क्वेश्चन देखने। क्वेश्चन क्या था?